दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडीएफ के बारे में। देखो यार, पीडीएफ का यूज आपने भी कभी ना कभी किया होगा, मैंने भी किया है, हम सभी यूज करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्टडी करते हैं तो आपने स्टडी मटेरियल के रूप में पीडीएफ को जरूर देखा होगा, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आपने किसी प्रोजेक्ट को या फिर किसी डेटा को पीडीएफ के फाइल के रूप में जरूर देखा होगा। ओवरऑल यहाँ पे मेरा आपसे कहना ये है कि अगर आप एमएस ऑफिस के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो आप उस प्रोजेक्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटा सा लाइव डेमो एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि कैसे जो है आप एमएस वर्ड को कन्वर्ट करना है पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक गेम क्लब, जर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने एमएस वर्ड के अंदर एक प्रोजेक्ट फाइल बनाया और आपने उसको वर्ड फाइल में सेव किया। अब आपको इस फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति को जो है सेंड करना है। अब जिस व्यक्ति को आपको सेंड करना है उस व्यक्ति के पास कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जब उस फाइल को ओपन करेगा अपने फोन में तो उसको जो है एज इट इज प्रोजेक्ट वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा आपने बनाया है, क्योंकि वर्ड फाइल जो है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए होता है, वो वैसा उसका लेआउट जो है वैसा ओपन नहीं होगा, ठीक है, वो सभी डिवाइस जो है सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे में जो है हमारे काम को और भी इजी करने के लिए यूज करते हैं हम पीडीएफ। अब पीडीएफ जो है ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस के लिए जो है कॉम्पैटिबल होता है, सपोर्ट करता है। आप एंड्रॉयड देख लो, आईओएस देख लो या फिर विंडोज देख लो, वो सभी में जो है सपोर्ट करता है। सभी में आपका वैसा ही प्रोजेक्ट को सेम वैसा ही दिखाएगा, आप किसी भी डिवाइस में ओपन कर लो। तो चलो दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए फटाफट हम देखते हैं कि जो है हम एमएस वर्ड के, अब छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा, एमएस वर्ड का फाइल जो है उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ के अंदर। तो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूं एमएस वर्ड के अंदर और अभी यहां पे मैं छोटा सा लाइव डेमो आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी प्रोजेक्ट को जो है कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। तो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूं एमएस वर्ड के अंदर और यहां पे मैं अभी जो है आप लोगों को एक छोटा सा लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट को जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ के अंदर। तो मान लो कि मैं यहां टाइप करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान क्लब, प्लीज सब्सक्राइब टेक ज्ञान क्लब यूट्यूब चैनल, ठीक है। और मान लो कि यहां पे मैं एक छोटा सा, अभी मान लो कि एक कोई भी मतलब शेप बना देता हूं, मान लो एक शेप मैं ड्रॉ कर देता हूं, मान लो मैं एक शेप ड्रॉ करता हूं जैसे ये, ठीक है, जैसे ये मान लो मैंने एक शेप जो है ड्रॉ कर दिया। अब मैं मान लो ये मेरा प्रोजेक्ट है, अभी इस प्रोजेक्ट को मुझे वर्ड पे नहीं, मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करके किसी को सेंड करना है। तो सबसे पहले मुझे पीडीएफ में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, अभी जो स्टेप मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सेम स्टेप आपको भी फॉलो करना है। ये देखो सिर्फ एमएस वर्ड में नहीं होता, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप किसी में भी कर सकते हो, ठीक है, सब में सेम प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आना है ये फाइल के ऊपर, ये जो फाइल दिख रहा है इसके अंदर आना है और यहां पे आपको जाना है सेव के अंदर। जब सेव करोगे, ठीक है, तो मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है सेव डाउन, मैं डेस्कटॉप पे करता हूं, ठीक है, डेस्कटॉप में मैंने सेलेक्ट किया, अब डेस्कटॉप आ गया। मान लो यहां पे मैंने लिखा पीडीएफ डेमो, DEMO, मान लो मैंने लिखा पीडीएफ डेमो, ठीक है गाइस। अभी क्या करना है, आपको नीचे देखो लिखा है सेव एज टाइप, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसको वर्ड डॉक्यूमेंट हटा के यहां पे आपको पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है। जब आप पीडीएफ सेलेक्ट कर लोगे तो ये जो है जब सेव होगा वो उसी एक्सटेंशन में सेव होगा जिस एक्सटेंशन को आपने सेलेक्ट करके रखा है। मैंने अभी पीडीएफ कर दिया, ये पीडीएफ में सेव होगा। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपली सेव पे क्लिक कर दिया, अब ये जो है सेव हो रहा है और जो डेस्कटॉप पे मेरा पीडीएफ बनके सेव हो जाएगा, ठीक है, अभी मेरा सेव हो चुका है। अभी मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे, आपको उसी फाइल को पीडीएफ के अंदर मैं आपको ओपन करूंगा। ये देखो ये मेरा पीडीएफ के अंदर आ गया है और आप देख सकते हैं ये पीडीएफ ओपन भी हो गया है। देखो ये एज इट इज मैंने ऐसा ही बनाया था, वहां पे भी आप देख सकते हो, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे पीडीएफ का लोगो भी है और ये पीडीएफ के अंदर आ गया है। तो ये सिंपल था दोस्तों, अब आप ऐसे किसी भी डेटा को, किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी प्रोजेक्ट को जो है आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वो इमेज हो या फिर कोई डेटा हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने ये कितना ईजी और कितना सिंपल स्टेप था। आई होप कि ये स्टेप आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। अब जो है आप कभी भी कहीं भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।
और आप में चाहें तो सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।